नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग कहां से होता है। तो दोस्तों अगर आप भी कॉल पर बात करते हो और आपका यानी कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप यानी कि ऑन कर देते हो तो आपका रिकॉर्डिंग आपको मिलता नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे दोस्तों आपका कॉल रिकॉर्डिंग यानी कि कहाँ पर से होता है। तो आपके पास रियलमी मोबाइल या फिर सैमसंग मोबाइल कौन सा भी अगर आपके पास मोबाइल है तो दोस्तों आप आसानी से आप यानी कि पता लगा सकते हो आपका कॉल जो आपने रिकॉर्ड किया था वो कहाँ पर है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में आपको बेल आइकन दिखाई दे रही है, इस घंटी पर भी आपको क्लिक कर देना है ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो दोस्तों मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों हम कर दें वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बीच में बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करिए, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने भी आपके पास कोई भी मोबाइल है और दोस्तों आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा तो दोस्तों आप आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव हुआ है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलता है हर एक मोबाइल में। अगर आपका रियलमी या सैमसंग मोबाइल कौन सा ही मोबाइल अगर आपके पास है या रेडमी का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर माई फाइल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर माई फाइल वाला फोल्डर आपको दिखाई देगा, तो इसी फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो आपको करना क्या, यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा देखिए यहाँ, या फिर आपके इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइल ओपन हो जाएगी ऑडियो वाली। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉल वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है या फिर आपके इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा। तो देखिए मेरे इसमें यहाँ पर सैमसंग का मोबाइल है तो सिंपली यहाँ पर कॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 116 यानी कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग मेरे इसमें पड़ा हुआ है। तो जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था फ़ोन से बात की थी वो यहाँ पर 116 रिकॉर्ड बता रहा है। तो इसको जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ पर बात की थी ये कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है और यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों इसको आपको ओपन करना है, सुनना है, तो सिंपली इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ तो देखिए ये मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर ओपन हो चुका है कॉल रिकॉर्डिंग। तो आप इस तरह से यानी दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी यानी कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल नहीं रहा तो दोस्तों आप इस तरह से आसानी से ढूंढ सकते हो कि आपका मोबाइल में जो आपने बात किया था वो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।